लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मुझे आप लोगों से यह उम्मीद है कि जो काम मैंने एक दिन में करने की कोशिश की थी उसे हम और आप मिलकर हमेशा करेंगे। टू डू दैट मोर इफेक्टिवली मैंने हर डिपार्टमेंट में दो दो मंत्रियों को अपॉइंट किया है, एक अनुभवी बुजुर्ग और दूसरा जोशीला नौजवान। हमारे देश में हर चीज के लिए कायदे कानून है लेकिन उन पर अमल नहीं होता, जिसकी वजह से जहां देखो घूसखोरी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसी हालत में हम कुछ भी करें, कैसी भी सरकार चलाएं, कोई फायदा नहीं। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि हमारे राज्य में कहां क्या गलत हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, ताकि हम गिल्टी को सजा दे सके और गलतियां सुधार सके। इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है, कंप्लेन बॉक्स। सर वो फैसिलिटी तो ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट में है। अगर है तो गलतियां क्यों हो रही, क्योंकि ये सब लोगों की पहुंच में नहीं। लेकिन हमारी सरकार में इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होगा, शिकायत विभाग, जो सीधा मेरी निगरानी में होगा, मेरे अंडर होगा। यह कंप्लेन बॉक्स स्टेट के हर गांव, हर गली, हर चौराहे पर होगा। पानी आए ना आए या लाइट ना चले, सड़क पर खड्डे हो या सड़क ही ना हो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मिनिस्टर्स या कोई भी सरकारी नौकर रिश्वत लेता हो, यहां तक कि मैंने भी कोई गलती की हो, तो बिना डरे शिकायत लिखकर इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई होगी, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक हफ्ते के अंदर उसे हल कर दिया जाएगा। और जिस दिन धीरे धीरे शिकायतें कम होकर एक कंप्लेन बॉक्स खाली मिलेगा, उस दिन मैं समझूंगा कि हमने एक अच्छी सरकार बनाई है। कल के लौंडे ने एक ही चुनाव में सारी पार्टियों की वाट लगा दी। चौहान साहब, जब तक वो कुर्सी पर बैठा है हम में से किसी की एक नहीं चलने वाली। मैं तो सोच रहा हूँ कि कोल्हापुर जाकर वापस मिर्ची बेचूं। नहीं, अब तो मिर्ची बेचना भी मुश्किल हो जाएगा मिश्रा जी। उस लौंडे ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर को हमारे पीछे लगा दिया है, हमारी ब्लैक मनी की तहकीकात शुरू करवा दी है। पता नहीं कहां कहां से पुरानी फाइलें खोज खोज कर हमारे खिलाफ 800 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। जब तक वो हमें जेल में मरते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। हमें उसका कुछ इंतजाम करना होगा। पांडू, कर दो उसका इंतजाम। भाभी ये ले लो। ये क्या है? मुझे क्या पता शिवाजी ने भेजा है। ओहो, गांव की गोरी के लिए सेल फोन। सीएम साहब को फोन करूंगा। सीएम साहब, क्या करूं? ओके का बटन दबाओ, बात करो। ऐसे ऐसे बात करो। हेलो, कैसी हो मंजरी? मैं अभी तक याद हूँ आपको। कैसी बातें कर रही हो पगली? सीएम बनने के बाद दुनिया भर से मुबारकबादें आ रही हैं, लेकिन जो गुलदस्ता तुमने भेजा था अपने हाथों से सजाकर, मैं रो पड़ा। तुम्हें मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, रोकने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन क्या करूँ, जिम्मेदारी ऐसी कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कई बार पाटिल के यहाँ फोन किया, तुम्हारे पिताजी आए फोन पर और कहा कि तुम घर पर नहीं हो और फोन पटक दिया, इसलिए मैंने सेलफोन भेजा है।
जब भी तुम्हारा जी चाहे मुझसे बात करने का तुम फोन कर लेना। मुझसे मिलने कभी नहीं आओगे? अरे संडे को आ रहा हूँ ना। संडे? अरे बाप रे, 5 दिन 6 रातें। इस बीच कुछ हो गया तो बाबा मेरे लिए सरकारी नौकर ढूंढ रहे, पोस्टमैन, कॉलरा का टीका लगाने वाला, बिजली काटने वाला, जानवरों का डॉक्टर। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जरा भी फिक्र मत करो मंजरी, मैं जल्दी। सर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले वेट कर रहे हैं। ओके मंजरी, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो, हेलो, हेलो जी, मुझे उनसे बात करनी है। कौन से उनसे? यहाँ पे 36 ऊन है, मैं भी एक ऊन हूँ। आपको कौन सा ऊन चाहिए मैडम? मैं मंजरी बोल रही हूँ। मंजरी? हाँ तो ऐसा कौन? एक मिनट, हाँ आप फिक्र मत कीजिए, सब इंतजाम हो जाएगा। बहुत बहुत आपके लिए फोन है। कौन है? छिपकली। बोलो, बाद में फोन करूंगा। ओके, हेलो मंजरी। हाँ? साहब जरा बिजी है, बाद में फोन करेंगे। ओके हेलो सीएम स्पेशल पीए टोपी बी स्पीकिंग। टोपी, मैं मंजरी बोल रही हूँ। मंजरी, मैं टोपी सुन रहा हूँ, कैसी हो, क्या हाल है? बहुत बुरा है, उनको फोन पे बुलाओ। वो जापान के टोको मोटो टोकाची से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बातें कर रहे हैं। जैसे फ्री हो जाते हैं मैं कह दूंगा तुम्हारा फोन था। हा? तुम लोग सब बोलते रहते हो को कह दूंगा, लेकिन कोई उनको कुछ नहीं कहता, वो भी फोन नहीं करते। अगर बात ही नहीं करनी थी तो फिर फोन क्यों दिया? सीएम का काम ही ऐसा होता है भाभी, उनका टाइम उनका नहीं होता है, समझा करो भाभी। मंजरी, ये आवाज कैसी? कौन सी आवाज बाबा? मेरे कान नहीं बज रहे, लाओ मुझे दो, लाओ। कहां से आया ये? मैं पूछता हूँ कहां से आया ये? दिया है। किसने? उन्होंने। उन्होंने? तुम्हें ठुकरा कर राजनीति में घुस गया वो, और तुम अभी भी उससे बात कर रही हो? मुंबई में पहली बार माल लेकर आयो, तुमको मालूम नहीं यार ट्रक अंदर ले जाने के लिए टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन पाजी सब्जियां टैक्स नहीं लगता ना? क्यों जी? खाली पीली बहस मत करो सरदार जी, ये प्राइवेट टैक्स है, सभी देते हैं। जे नहीं देता थे तो माल अंदर नहीं जाएगा, लेकिन तुम जरूर अंदर जाओगे। परमिट निकाल। सीएम? हाँ हम। अरेस्ट हिम। सर सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी गलती हो गई, मुझे 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 माफ कर दीजिए। माफी? तुम जो कर रहे हो देशद्रोह है। तुम सरकारी नौकर इस तरह 1,000-2,000 करके रिश्वत लेते हो, और व्यापारी लोग उसे 5 गुना ज्यादा अपनी लागत में जोड़कर माल बेचते हैं। नतीजा महंगाई बढ़ती है, जनता मरती है। गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार क्या, गोली मार दो इसे। नहीं, ले चलो इसे।
माइक 3, ट्रैफिक डाइवर्ट हो चुका है, रोड इज क्लियर। ओके, ओवर एंड आउट। सर, कंट्रोल टू अल्फा, वी आर अबाउट टू स्टार्ट नाउ, ओवर। मिस्टर मनोहर, सर मैं गांव अपने पर्सनल काम के लिए जा रहा हूं। ये इतनी सारी गाड़ियां किस लिए? सिर्फ एक प्राइवेट कार काफी है। सॉरी सर, आप जहां भी जाएंगे सारी गाड़ियां आपके साथ जाएंगी, सिक्योरिटी रीजंस। मेरे अकेले की सिक्योरिटी के लिए इतना खर्चा? मिस्टर मनोहर, मेरे पहले के मुख्यमंत्रियों ने जो गलतियां और फजूल खर्ची की थी उन्हें मैं नहीं दोहराऊंगा। सर, उन मंत्रियों के नाम किसी हिट लिस्ट में नहीं थे, आपका है। आपको जेड गेट सिक्योरिटी देना हमारी ड्यूटी है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपकी प्राइवेसी से ज्यादा आपकी जान की फिक्र है हमें। आज आप तीसरी वाली गाड़ी में जाएंगे सर। अगर ऐसी बात है तो हम कहीं नहीं जा रहे। प्रोग्राम कैंसिल। कंट्रोल टू अल्फा, वीआईपी प्रोग्राम कैंसिल्ड, रीडायरेक्ट ऑल सिक्योरिटी टू स्टेशंस, ओवर। अरे मंजरी, कैसी आ गए तू? बढ़िया है। हिसाब से एक फुट गिट्टी, आधा फुट रोड़ी और दो इंच डांबर लगा करके रोड रोलर को 5 बार चलाओ। हर बारिश में ये रोड बेरोड हो जाती है, लेकिन इस दफा 5 साल तक चलनी चाहिए। और जरा भी चोरी की ना तो आपकी खाल उधेड़ करके उसके जूते बनवाऊंगा और वो जूते आप ही के सर पे मारूंगा, समझे? हमारे शिवाजी राव का राज चल रहा है यहाँ, याद रखना। जी पब्लिक जी। देखा, ये हमारी औकात हो गई, लंगोट पहनने वाला भी हमारी मार के चला जाता है। अब तो छोटा सावन न कोई, आला रे आला शिवाजी आला, उससे पतित पावन। कैसी लग रही चूड़िया? सुंदर है, कांच की है, फिरोजाबाद से मंगाई है। हमारे शिवाजी राव के सरकार में चूड़िया खन के सोना चांदी चमके। थैंक यू। हाँ, कहना है यदिया यदिया की पाई जे? हाँ, लफड़ा जाला का जाला? मैं पैसा लाना भूल गया, अगले टाइम देगा चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। जाना पहचाना ही हूँ ना। शिवाजी राव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री शिवाजी। चिल्लाओ मत, बहुत निजी काम से जा रहा हूँ, किसी को मत बताना प्लीज। भाई वो फूल गांव आ गया है, भेष बदल कर। तुम उस पर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ, ओवर। ये लो। शुक्रिया। आयुष अपात, कितना अच्छा मौका है, लेकिन एक फोटो लेने वाला भी कोई नहीं है, क्या करूं? वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कार्टोग्राफ दो। लेकिन किस पे दूं? इस पे दो ना। लीके लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ के तीन चले सुरमा शायर सपूत। बुट्टा ले लो, ताजा ताजा बुट्टा ले लो, बढ़िया बुट्टा। संडे को आ रहा, भूल गया? लोगों को वादा करते हो तो भागे भागे जाते हो, लेकिन मंजूरी कोई नहीं लगती ना तुम्हारी। क्यों कनक जुरा? ए, घर कौन आएगा? कोई नहीं है। ये कौन बोल रहा? उतरी ये कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन है तुम और ये क्या बदमाशी कर रहे हो? ए, बदमाशी नहीं, बदतमीजी करने आऊँ मैं। क्या बदतमीजी करोगे? पहले मैं तेरे होठों को रगड़ूंगा, फिर तेरे गले के नीचे काटूंगा, फिर कमर ना नोचना, फिर चोट असर रेप। यहाँ ठीक है, कर लो। आई चमायला बेशरम बेहया बेगरत, हिला दिया ना मेरे को। एक कन खजूरे पगड़ी बांध कर मुझे तान कर आ गए तो समझ ले मैंने भेजा लूंगी, चल निकाल इसे। पोरगी पटली रे पटली। ऐसे होलिया क्यों बनाया तुमने? मंजरी, इस वक्त मैं सीएम नहीं हूं, बस तुम्हारा शिवाजी हूं। ना कोई फाइल, ना किसी से मिलना, ना बंसल, ना पुलिस, ना टोपी। आज मैं सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा। सच बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ?
पहले मैं खाना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। ओफो। क्या हुआ? मैंने तुम्हारी पूरी और खीर बनाई थी, तुम आए नहीं, इसलिए गुस्से में बकरी को डाला है। अब तो सिर्फ कल की बासी रोटी बची है। अरे बहुत है रे। लेकिन साथ में कुछ नहीं है। तुम होना मेरे साथ, और क्या चाहिए। मेरी मंजरी, आज मैं बहुत खुश हूँ मंजरी। लेकिन हफ्ते में दो संडे होते तो कितना मजा आता। नहीं तुम तो सीएम हो, तुम्हारे ऊपर कौन है, तुम जितनी चाहे छुट्टी ले सकते हो, कौन रोकेगा तुम्हें। नहीं मंजरी, पब्लिक है ना मेरे ऊपर, मैं तो उनका नो करूं। चोचीट मैं नहीं, तुम हो। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे अड़ियल बाबा हमारी शादी की बात करने के लिए तैयार हो गए। चलो चले मितवा, जल्दी जल्दी शादी कर ले। छोटे छोटे सॉरी सर, आपकी इजाजत नहीं थी, फिर भी आपकी जान बचाना मेरा फर्ज है। थैंक यू। लुक आउट सर, डाउन, डाउन, अटैक। मंजरी बेटा, ये हमारे साथ है, हमारे साथ है। अंडर कंट्रोल, आप बाहर आ सकते हैं। ये लोग यहां तक पहुंच जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। बेटा बेटा, ऐसी जिंदगी जिसमें हर पल मरने का डर हो वो तुम चुन सकते हो, लेकिन मुझे और मेरी बेटी के लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। चलो बेटा। बाबा, अगर तुम्हें अभी भी इससे शादी करनी है तो इससे कहो कि ये सब कुछ छोड़कर एक आम आदमी की तरह तुम्हारे पास आ जाए, वरना जिंदगी भर घर में बैठी रहो। मैं तुम्हें कुंवारी देखकर सह लूंगा, लेकिन विधवा नहीं देख सकता। बेटा चलो।